नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। आज अपनी बात पर लिया जाता है, बहुत बड़ा रोल है कि हम नहीं मानते, ताकि लोगों को भी पता चले कि आज के टाइम में कैसे कैसे वहशी जानवर उस चीज से डरना नहीं चाहिए। अब अगर कोई भी चीज किसी भी चीज का प्रोटेस्ट होता है तो जाहिर सी बात है, कोई अगर किसी के अगेंस्ट बोल रहा है तो उसको लोग दबाते हैं। जो भी बड़े लोग होते हैं, जो भी होंगे, उसको दबाने की कोशिश करेंगे। हमें इस चीज से इंडिपेंडेंस चाहिए कि अगर किसी को, मेरी फैमिली को या किसी, फॉरन एग्जाम्पल मैं ही हूँ, अगर किसी चीज के अगेंस्ट बोल रही हूँ और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो हमें दबाना चाह रहे हैं, हमें रोकना चाह रहे हैं कि हम ना बोलेंगे या ना करें, हमें इस चीज से इंडिपेंडेंस चाहिए। और ये हम ही करेंगे कि हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम उसके अगेंस्ट खड़े हों। हमें पहली चीज तो, जैसे कि मैम ने बोला था कि हमें निडर बनना है, हमें उस चीज से डरना नहीं है। जब हमें पता है हम सच के लिए, हम सही चीज के लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो हमें उस चीज से डरना नहीं चाहिए। और जितने भी ये लोग हैं कि आजकल जैसे दिल्ली वगैरह में रेप केसेस हो रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, तो जो लड़कियों को दबा रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार, हंगामा टाइम्स। आज महिला सशक्तिकरण सेमिनार का आयोजन किया गया आई फाउंडेशन की तरफ से। आइए जानते हैं यहां उपस्थित लोगों से इस सेमिनार के बारे में उनका क्या कहना है। आज का आई फाउंडेशन ने श्रीमती शीला देवी जी के स्मृति में एक मिशन शक्ति के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और उसमें मैं आया। और इस तरीके की ये संस्था कार्यक्रम करती रहती है और आज इन्होंने महिलाओं सशक्तिकरण के उसमें एक सेमिनार का आयोजन किया था, तो उसी में मैं आया और मैंने अपने विचार रखे उसमें। नमस्कार, मैं मीरा यादव, आई फाउंडेशन के प्रेसिडेंट। आज जैसा कि 2 मार्च है और हमारी माता जी, उनका पुण्यतिथि था, तो हम लोग उसी को, उन्हीं की पुण्यतिथि पे हर साल इसी तरह से कुछ न कुछ आयोजन करते हैं। जैसे कि अपलिफ्टमेंट, वुमेन अपलिफ्टमेंट पे भी प्रोग्राम करते हैं, कभी सड़क सुरक्षा है, कभी स्वास्थ्य है। समाज की भूमिका है, आज हम लोगों का जो विषय है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे है। जैसे कि आज हर कोई चाह रहा है कि हम महिलाएं आगे आए, एजुकेशन एजुकेशन पे भी जोर दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है। सबसे जरूरी है कि हम महिलाओं को वो प्लेटफॉर्म दें और हम लोग खुद अपने घरों से निकल के, आज हम अपने घर से निकल रहे हैं तभी आज कुछ कर पा रहे हैं, तो हम लोग कहीं से प्रेरणा पा रहे हैं और कहीं प्रेरणा दे भी रहे हैं कि लोगों को अपने साथ आगे बढ़ाएं और आगे जाएं। क्योंकि समाज दो लोगों से मिलकर बनता है, महिला से भी और पुरुष से, तो दोनों जब बराबर चलते हैं तभी गाड़ी चलती है। दोनों पहिए जब बराबर रहेंगे तो समाज का उत्थान होगा। तो इसी पे हम लोगों ने आज एक सेमिनार रखा है और सब लोग अपने अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें काफी, जैसे मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी बताया कुछ आगे बढ़ने के लिए, बोला कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और कुछ नए कानून भी बनने चाहिए, जैसे कि ह्यूमन राइट्स क्या है, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कि हाँ तुम लड़की हो तुम लड़का हो, इसमें भी इस तरह से चीजें हम लोग हर साल कुछ ना कुछ करते हैं। इस साल हमारा जैसा का प्रोग्राम चल रहा है और मेन तो यही है। बाकी हमारे आई फाउंडेशन और भी काम करता है इसके अलावा भी, जैसे कि जो गरीब है, जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के जॉब चली गई, बहुत गरीब लोग हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा था दो टाइम का, तो आई फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने उनको आवश्यक सामग्री भी वितरण कराया, मास्क सैनिटाइजर बंटवाया और जहाँ जहाँ उनको जो जरूरत थी वो सब हम लोगों ने प्रोवाइड कराया। और पूरे टाइम हमारा टीम मिलकर वर्क करता रहा साथ लगातार, और तो आगे भी हम लोग ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे। उनकी भूमिका में जब आएंगी, उनकी भूमिका जब बढ़ेगी, तो हर जगह उनकी भूमिका का प्रतिशत मुझे बढ़ाना है। हमें सबको जैसे अधिकार दिला, हर जगह प्रतिशत बढ़ाना है, चाहे वो एजुकेशन किसी सेमिनार के थ्रू करवाते, बाकी हाँ सेमिनार के थ्रू, क्योंकि एजुकेशन ही सबसे बड़ा अधिकार होता है। जब हमारे पास एजुकेशन है तो हम जानेंगे कि अभी किसी, जैसे अभी लड़की बोल रही हम कुछ हमारे साथ होता था, हमें पहले बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बाकी हमारे हाथ में कानून खुद नहीं है, हम कानून नहीं है कि हम कुछ करें, लेकिन हम जाने दो कि हम जागरूक कर सकते हैं कि आप आगे आओ, आगे बढ़ो, अपने को अपलिफ्ट करो। जैसे मैंने भी बोला कि अपलिफ्टमेंट का मतलब नहीं होता है कि आप किसी को, आप हर तरह से सोशली, इमोशनली, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके परिवार में हो सकता है आपके हस्बैंड को कुछ हो जाए तो क्या आप करेंगे? आप समाज में उठना बैठना छोड़ देंगे? लोगों को संपर्क करना,
तो सोशली इमोशनली फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो सकती है। हाँ, सेमिनार के थ्रू अपने घर का पालन पोषण कर रही हैं, वह कमाती भी हैं, चौला चौका बर्तन भी करती हैं। मैंने लखनऊ अमेठी अभी दो जगह, क्योंकि मेरी सिस्टर है वो अमेठी में जॉब करती है एचएल में, और मैं आजमगढ़ में रहती हूँ, मैं आजमगढ़ से आई हूँ, जो कि आजमगढ़ कितना भी है लेकिन वहाँ भी बहुत डेवलप हो रहा है। वहाँ पे भी बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं और बहुत सारे वहाँ पे भी लोग आते रहते हैं और भी कार्यक्रम होते हैं, तो हम लोग वहाँ भी करते हैं। और अभी तो इतना ही कर रहे हैं, आगे हम लोग का प्रयास है कि हम लोग हर कोने तक पहुंचे, देश के हर कोने तक पहुंचे और हम लोगों का नाम। मेरा नाम मैत्री दास है, मैं करीबन 2 साल से इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। तो ये संस्था काफी सालों से मतलब काम करने की कोशिश कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, बट अभी तक मतलब इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। तो धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट में और काम करें और चीजें आगे बढ़े। तो आज माता जी के वर्षगांठ पे तो हम लोगों को वुमेन एम्पावरमेंट कई सब मिला है। हमारे संस्था में मतलब जितने लोग हैं ज्यादातर महिला है, तो वुमेन एम्पावरमेंट हमारे स्टार्टिंग से ही था, शुरुआत से ही हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट में ध्यान दिया है। हमारे संगठन में जितने लोग हैं मतलब महिला के संख्या ज्यादा है, सेक्रेटरी जो है, प्रेसिडेंट जो है, सब लोग महिला ही हैं। तो इसके दौरान हम लोगों ने सोचा कि एक वुमेन एम्पावरमेंट में आगे भी हम लोग करते रहेंगे। हमारे पास इस साल भी 2-3 और कार्यक्रम है जो वुमेन एम्पावरमेंट में हम लोग काम करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैसे महिलाओं को जागरूक करते हैं? हम लोग सुरक्षा के लिए अभी काम कर रहे हैं, हम लोग मतलब कुछ प्लानिंग भी किए थे, कुछ जैसे इंडस्ट्रीज होते हैं उन लोगों से भी बात किए थे, जैसे पिंक कार नहीं चली थी दिल्ली में, तो वैसा कुछ अगर मतलब हर शहर में हो सके वैसा, हम लोगों का भी थोड़ा आइडिया है, हम लोग काम कर रहे हैं सब लोगों से जुड़े। जैसे रातों में जैसे रातों को जैसे महिला आती हैं अकेले, जैसे ये मैक्सिमम होता है हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, इन सब शहरों में जहाँ महिला जाती जी रातों को काम करती हैं, तो उन लोगों को नाइट शिफ्ट में आने में बहुत दिक्कत हो जाता है जी। तो जो लोग अभी रिहैब में है, जो महिला जो रिहैब सेंटर में है, तो उन लोगों को जब रिहैब से बाहर रहते हैं उन लोगों को समाज में कोई काम नहीं मिलता और कोई उनको लेते भी नहीं है, आगे से कोई एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन लोगों की मतलब बड़ी मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी जीना। तो हम लोग उन लोगों के लिए भी कुछ सोचा है कि अगर जो हम लोग पिंक कार का जो दिल्ली में चला है वैसा नहीं बट कुछ अलग सा, वही रिहैब वाले जो आएंगे उन लोगों के ड्राइविंग कराएंगे, ड्राइविंग सिखाएंगे, वही लोग गाड़ी चलाएंगे, वही ड्राइव करके जो लोग रात को आ रहे हैं मोहिलाई, उन लोगों को ही लेके पहुँचाने की, ऐसे हम लोगों का आइडिया अभी चल रहा है। अभी देखते हैं कोई मतलब अगर देश साथ दे तो हो जाएगा। कि हम जैसा मेरा मानना है सोसाइटी जितना भी इम्प्रूव हो जाए शायद ये कभी जा नहीं सकते, क्योंकि हम अभी तो सरकार ने भी मतलब इधर से बैन कर दिया है, नेटवर्क में सारा ट्रैफिक कर रहे हैं, बट स्टिल जो है चीज़ें और रहेंगे। इसके लिए अगर कुछ करना है तो महिला को ही करना पड़ेगा। आगे आइए अपने मतलब क्या बोले, बचपन से ही अपना खुद का रक्षा करना खुद ही सीखिए, ठीक है। तो इसके आत्मनिर्भर बनिए, जो हमारे सरकार सिखाते हैं आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर बनिए। भाई कब रहेगा कब नहीं रहेगा, भैया कब रहेंगे कब नहीं रहेंगे, कोई नहीं कह सकता, तो खुद के सुरक्षा खुद को करना पड़ेगा। आई फाउंडेशन हमारा 2000 से काम कर रहा है और उसने आई फाउंडेशन ने विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, हेल्थ पे हेल्थ स्कैम्स और उनका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग वगैरह, इन सब विषयों पे वो काम करता आ रहा है और खासकर महिलाओं पे काम कर रहा है वो, चाइल्ड और चाइल्ड डेवलपमेंट पर, दो विषय पे हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं। बाकी हमारे और भी समाज के जो मुद्दे हैं, जो बुराइयाँ हैं, दहेज प्रथा है, इस तरह की जो घरेलू हिंसा है महिलाओं के लिए, 2000 एक्ट पे भी हम लोग काम, 2005 एक्ट पे भी हम लोग, घरेलू हिंसा 2005 एक्ट पे भी हम लोग काम करते हैं, तो काफ़ी काम कर रही है और इस तरह से काफ़ी NGO 20 साल हो गए 2000 से काम कर रहा है हमारा संस्था। मेरा नाम एडवोकेट आशुतोष सिंह है, मैं कर्तव्य वेलफेयर सोसाइटी का संस्थापक हूँ। आई फाउंडेशन का आज ये महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि हमें सबको मिलके ही ये प्रयास करना है कि महिलाओं को उनके अधिकार पता चले, साथ ही साथ उनको ये पता चले कि उन्हें कैसे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देनी है। और जिस तरह से हमारा देश आगे उत्थान कर रहा है
उसमें महिलाओं का उतना ही रोल होना चाहिए और बल्कि पुरुषों से आगे बढ़ के उन्हें इस चीज में आगे से आगे बढ़ना चाहिए। किस तरह से उनकी भागीदारी होगी इसमें भी कुछ चीजें, जैसे कि उनके एजुकेशन है, एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। अगर बुनियाद होगी अच्छी तो फिर बिल्डिंग भी अच्छी होगी, इमारत अच्छी होगी। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज कानून की जानकारी दी गई, हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है जो कि महिलाओं के लिए ही बनाए गए, उनके उत्थान के लिए बनाए गए, इन सब चीज़ों की जानकारी दी गई है। और जो कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल है और ऐसी ही पहल हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारी महिलाओं को सशक्त करती है। तो जैसे कि जो सरकार की तरफ से कुछ ऐप्स ऐसे बनाए गए हैं जो महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके बारे में देखिए ऐप्स और लोग भी जानते हैं। ऐप्स साथ ही साथ, ऐप्स के साथ ही साथ मैं बात करूंगा जो हेल्पलाइन नंबर 1090 है, 181 है, 112 है और 1098 है जो चाइल्ड लाइन है। ये सब ऐसे हेल्पलाइन नंबर है जो कि एक पूरा सिस्टमैटिक तरीके से महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए निरंतर काम कर रहा है। मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति में ये कार्यक्रम हो रहा है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ों से जानकारी दी जाए कि कोई भी अगर उन्हें आवश्यकता है, कोई भी उन्हें परेशानी है और सिर्फ उस नंबर एक कॉल दूर है और उनकी परेशानी का निस्तारण हो और बगैर उनकी जान, मतलब उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किए, तो ये बहुत ही एक अच्छी पहल है। बस ज़रूरी ये है कि ये समाज की अंतिम महिलाओं तक भी पहुंचने की मतलब एक आवश्यकता है और ये काम मेरे ख्याल से जो सामाजिक संस्थान है और उसके अलावा समाज है, सरकार है, ये मिलकर करेंगी तो हो जाएगा ज़रूर।